इतने हैरान मत हो, उस वक्त कहां थे तुम लोग जब शाहजेब ने दिन दिहाड़े तमाम मुरीदों की आंखों में धूल झोंक दी थी? उस वक्त जब असली बादशाह बेगम मेरे यहां पनाह ली हुई थी, शाहजेब ने उस नकली बादशाह बेगम, उस पागल रोशन आरा से अपनी ताजपोशी करवाकर पीरापुर की रिवायात का खुला मजाक उड़ाया। मेरे नजदीक ना तो उस नकली बादशाह बेगम की कोई हकीकत है और ना ही उस जाली पीर की। अभी तुम सबके सामने असली बादशाह बेगम अपने तायाजाद भाई की गद्दी नशीनी की रस्म अपने हाथों और अपनी मर्जी से अदा करेंगी। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो हम सब पर बहुत कादर है, जिसकी गद्दी, जिसका तख्त इस दुनिया में किसी भी गद्दी और तख्त से बढ़कर है। मैं आज आप सब से कुछ कहना चाहती हूँ। खुदा गवाह है कि मैं पीरापुर सिर्फ और सिर्फ अपने बाबा पीर शाह आलम की ख्वाहिश की वजह से आई थी। हुजूर, गुस्ताखी माफ, वो कैंसर हवेली में गड़बड़ हो गई है। यहां आने के बाद मैं अपने भाई पीर शाह मीर शाह आलम की वजह से बादशाह बेगम बनी थी। वो पीर शाह मीर शाह आलम जिसने सिर्फ और सिर्फ पीरापुर की भलाई और बेहतरी सोची, वो शाह मीर जिसने बादशाह बेगम की रस्म पर उंगली उठाई, जिसकी वजह से आप सब ने उसको मार दिया। क्या आप लोगों के पास यह हक था कि आप उसे मार देते? अगर ऐसा है तो जिस बादशाह बेगम की हुरमत की वजह से आप लोग काटने पीटने को तैयार हो जाते हैं, क्या उस बादशाह बेगम की इज्जत पर हाथ डालने वाले दरिंदे को आप इस गद्दी पर बैठने की इजाजत देंगे? क्या बकवास कर रही है तू? यही वो शख्स है जिसने मुझे कैसे हवेली में कैद कर रखा था। इसने आप लोगों की बादशाह बेगम की इज्जत पर हाथ डाला है। झूठ बोल रही है। मैं सच कह रही हूं कि आप लोग ऐसे शख्स को इस गद्दी पर बैठने की इजाजत देंगे? क्या आप लोग अपनी बादशाह बेगम को इंसाफ दिलाएंगे? अगर आज आप सबकी गैरत मर चुकी है तो ठीक है, मैं अपना बदला खुद ले लूंगी। मैं बतौर बादशाह बेगम यह ऐलान करती हूं कि एहतजाजन मैं अपने सर से यह चादर उतार कर पीरापुर